किसानों की अपील पर आज देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में भी भारत बंद के चलते हालांकि शहर के बाहरी हिस्से में किसानों द्वारा हाईवे बंद किया गया, लेकिन शहर के अंदर भारत बंद का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। चंडीगढ़ में सभी बाजार और दुकानें खुली। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा की बात करें तो यहां पर दुकानें खुली हुई थी, जिसे लेकर दुकानदारों का कहना था कि वह किसानों के साथ तो हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल से उनके व्यापार पर इसका काफी असर पड़ा है और अभी भी बात करें तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपना किराया चुका सकें और अपना और नुकसान कर सकें, लेकिन वे दिल से किसानों के साथ हैं और वह चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। देखो, इस बेसिक चीज की है, किसानों का जो भी पॉइंट हैगे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैगी जो कॉमन मैन तो पता ही नहीं है। जो मैं अपनी खुद की भी गल करा तो मैं शायद इन्नी गहराई से ना कुछ पता हो। जिते तक बंद का सवाल है, यदा असर ज़्यादा तो पंजाब या बाकी शहर पंजाब के दिखेगा, क्योंकि उत्थे 90% किसान ही है। ठीक है, ये शहरी इलाका है तो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी दफ्तर भी अच्छ खुले हैं, देखो सब कुछ खुला हुआ है। ठीक है, बैंक भी खुले हैं। ठीक है, बाकी करोना की मार जी पई है लोगों को, वो तो वास्ते तो किसी को कहने की भी लड़ नहीं है। चंडीगढ़ वैसे ही खुला, हम पिछले लॉकडाउन काफ़ी टाइम बंद रह चुका, इस करके दुकाना च इन्नी हिम्मत नहीं हैगी दुकानदार जे होर बंद कर, लेकिन सारे दुकानदार किसानों के नाल है। जो कानून है बाकी अच्छे नहीं है, ये हर एक गरीब बंदे वास्ते माड़ा है, ब्लैक मार्केटिंग होगी ये नाल। वहीं चंडीगढ़ की सबसे व्यस्त मार्केट सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में भी दुकानें खुली और रोजमर्रा की तरह लोगों का आना जाना लगा रहा। दुकानदारों का साफ कहना था कि वे किसानों के साथ तो हैं, लेकिन दुकानें बंद करके अपना और नुकसान नहीं कर सकते। पंजाब के सिटीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।